सब कौन है यहाँ पे बताओ? मगर सिंह है ना आपका ना? कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। 20 लोग हैं ये? कितने लोग बताओ? मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने बार रात को भी आपको फोन किया था, रात को भी आपने पूरी धमाल मचाई हुई थी, मैं इसलिए आया हूँ, आज फिर आया मुझे, ठीक है? ये एक्सक्यूज कोई नहीं है, ठीक है? अब रुक जाओ थोड़ी देर, ठीक है? भेज रहा हूँ मैं डी साहब को, ये तरीका थोड़ी नहीं यार, 10 सबके लिए सबके नाम पूछूंगा मैं, अब ये नहीं होगा। वीडियो बना के मैं अब ठीक है, घर के आदमी, चलो कोई नहीं, डी साहब को क्लैरिफाई कर देना, मैं नहीं कुछ बोलूँगा, आप डी साहब को कर देना क्लैरिफाई कि ये घर के मेंबर हैं या किसके हैं, ठीक है? बिना मास्क के ये भांगड़ा यहाँ पे सारा, एक एक चीज़ मैंने इसलिए लिए, ये तरीका नहीं है कोई, अजीब बात है यहाँ पे। नमस्कार, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार के नए निर्देशानुसार अब शादी समारोह में घर के करीबी सदस्य ही एक सीमित संख्या में शामिल हो सकते हैं और धाम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, लेकिन अब भी औचक निरीक्षण में ये देखने में आ रहा है कि जहाँ पे शादी हो रही वहाँ पे बारात के समय और आगमन के समय जब शादी होकर दुल्हन घर पे आती तो उस समय गाँव के लोग भीड़ इकट्ठी कर देते हैं और असंख्य लोग जो वो घर पे एकत्रित हो जाते हैं। जैसा कि आज समोट क्षेत्र में औचक निरीक्षण में ये देखा गया कि श्रीमती दर्शना देवी के घर पे उनके बेटे की शादी श्री विजेंद्र ठाकुर की हो रही थी, जो बारात निकल रही थी तो उस वक्त सड़क पर असंख्य लोग इकट्ठे हो गए थे। जब छानबीन की गई तो पता चला कि उन्होंने अपने बेटे की शादी में एक तय सीमा में ही लोगों को अपने करीबी सदस्यों को बुलाया था, लेकिन जब प्रस्थान हो रहा था तो उस वक्त